देखो भाई, समाज, पंथवाद, संप्रदायवाद, ये सब राजनीति के अड्डे हैं। जहाँ भीड़ इकट्ठी होगी वहां राजनीति हुए बिना नहीं रहेगी। समझो आप, भीड़ माने क्या, पंथवाद माने क्या, हमारी संख्या बढ़ जाए। हमारी क्या प्रॉब्लम है, जे आपको पता है, बीजेपी वाले सोचते हमारे वोटर बढ़ जाए। राजनीति किसे कहते, राजनीति माने क्या, आप सोचो, राजनीति को पता, राजनीति की परिभाषा बताओ। जिसमें संख्या के बल पर पावर आती है उसे राजनीति कहते हैं। वहां नंबर काय का है, खेल काय का है, संख्या। अगर बीजेपी के पास ज्यादा संख्या है तो वे राज करेंगे, कांग्रेस के पास ज्यादा संख्या है तो वे राज करेंगे। यही तो है और कुछ नहीं है। ऐसे ही हम जितने पंथवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, धर्म के नाम पर जो हम लड़ाई झगड़े करते हैं, इसकी लड़ाई का मूल कारण धर्म नहीं है, मान कसाय नहीं है, ये राजनीति। संख्या में ज्यादा होने चाहिए तो हमारी पावर बढ़ेगी, नाम हट जाएगा। जैनी कम हो रहे हैं, जैनी कम हो रहे हैं, बाल बच्चे ज्यादा पैदा करो। क्यों, तुम्हें क्या चिंता है, जैनी कम हो रहे, और कम हो जाए, हमारे बाप का क्या जा रहा। लेकिन हमें संख्या की डर लगता है कि हम बहुत कम होते जा रहे हैं, हम बहुत कम, मुझे कम होते जा रहे हैं, इसकी चिंता है। लेकिन ये जैनी खो, जैनी दारू, हाँ सुना, तो वही बोल रहा था कि तुम्हें संख्या कम है इसकी चिंता है, लेकिन ये जो हो रहे हैं, जो दारूखोर हो रहे हैं, ये सप्तव्यसनी हो रहे हैं, इनको देव सात गुरु का पता नहीं, इसकी चिंता किसी को नहीं है। अरे जितने हैं इतने ही संभाल लो। दो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, समझ ना, और उनको कॉन्वेंट स्कूल भेज रहे, और कॉन्वेंट भेज रहे, और वे ईसा मसीह की प्रार्थना कर रहे। ये नहीं, जैन जैन क्या करोगे, संख्या बढ़ा के। तो ये जातिवाद, पंथवाद, ये जो संख्या बढ़ाना चाहता है, संख्या बढ़ जाए, हमारी संख्या बढ़ जाए, भीम गली में बहुत कम लोग आते हैं, थोड़ी और आ जाए, थोड़े और आ जाए। ये सब आप जो जोड़ने की आदत है, ये आप राजनीतिक अड्डा है, ये धर्म नहीं है। देखो, एक हिंदू भाई क्रिश्चियन बन गया, और वो अपने गुरु के पास गया, बोले साहब आजकल बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है जी, आदिवासी को ना क्रिश्चियन बना रहे हैं, मिशनरी चल रही है, और अपने हिंदू भाई कम होते जा रहे हैं। उनने कहा एक बात बता, वहाँ जाके वो यहाँ से ज़्यादा सुधर गया कि बिगड़ गया, ध्यान देना, अच्छा हो गया कि बुरा हो, कि यहाँ से तो अच्छा हो गया, यहाँ तो जंगलों में भटकता था, वहाँ तो कपड़े वपड़े पहन लिए, तरीके से रहने लगा, बच्चों को पढ़ा रहा, तो बढ़िया है, अच्छा इंसान हो गया ना, क्या दिक्कत है। अच्छा, जो अच्छा इंसान बना है, जो अच्छी बात से कहा है, बढ़िया है, क्या फर्क पड़ता है हिंदू, और वो हिंदू रह के कौन सा मोक्ष में जा रहा था, पकड़ रहे, समझ में आई मेरी बात, मैं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, कि अगर वो बिगड़ता है वहां जाके तो चिंता कर ही जाए, और लेकिन वो तो और सुधर गया तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हमें किसी के सुधरने और बिगड़ने की चिंता कहाँ है, हमें काहे की चिंता है, हमारी संख्या कम हो गई। आपको पता है जे आए दिन जो छोटी जाति के लोग हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, तो हिंदुओं को बहुत चिंता हो जाती है, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि इनकी हमने कभी चिंता करी, इनके साथ हमने व्यवहार कैसा किया। और आज अगर वे परिवर्तन कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ हो रही। जो धर्म, देखो भूखे का धर्म क्या है, पंडित जी बताओ, किसी को परिभाषा हो तो बताओ, भूखे का धर्म क्या है, रोटी। भूखे का धर्म क्या है जैन साहब, अगर रोटी, भूख, रोट, चार दिन रोटी नहीं मिलेगी ना तो सब भूल जाओगे जैन अजैन। अभी आपके बच्चों को रोटी नहीं मिले, आप कहोगे भैया अपना धर्म अपने पास, पहले रोटी दो। ऐसे ही इस सारी दुनिया में जो पंथवाद, जातिवाद बढ़ाते चले जाते हैं, ये कोई धर्म के कारण नहीं है। ये जो हम नए आजकल मोक्षों की ऐसी बीमारी लग गई है, ये मोक्षों को नहीं लग गई, ये राजनीतिक लोगों को लगती है, नए लोगों को जोड़ने की। इससे क्या होता है, समझो गहरी बात, इससे ये होता है कि तुम जो नए लोगों के जोड़ते हो और अपना सम्यक दर्शन खोते हो। हम एक बार होता, जगत की महावीर ने किसी की चिंता करी? अच्छा, महावीर भगवान ने कितने लोगों को जैन बनाने की कोशिश करी, प्रश्न है मेरा, है कि वो तो वीतरागी थे। प्रश्न लोग ये जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं, तो क्या जन्म ही से वीतरागी थे क्या वो, आदिनाथ से लेके नरेश जी,
महावीर तक कितने तीर्थंकर हुए? 24। तो क्या वे जन्म से ही वीतरागी थे? पैदा होते ही वीतरागी थे क्या? पैदा वीतरागी तो नहीं थे ना। आदिनाथ ने कितनी शादी करी? 2। कितने बाल बच्चे करे? 100 वे और 101, और 2 पुत्री, ठीक। 80 मसीह कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प सबका उपदेश दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो, दिया कि नहीं दिया? हाँ दिया। तो उनने जैन बनाने का उपदेश क्यों नहीं दिया? किसी शास्त्र में लिखा हो तो लेके आओ मेरे पास कि उनने जैन बनाने का उपदेश दिया कि जैन बनो। चलो छोड़ो, आदिनाथ भूल गए होंगे, अजितनाथ ने किया। चलो अजितनाथ को छोड़ो, किसी ने किया। चलो महावीर तो अभी के थे, महावीर की आयु कितनी थी? 72 वर्ष। समझते हो रमेश जी? अभी भी आदमी 75 का तो यही मिल सकता है। मैंने भी मास्टर जी हो या मंगल सिंह, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन 70, 72, 75 के तो हो गए। 75 का तो आदमी आराम से हो जाता है, 90 तक का आदमी आराम से हो जाता है। अब महावीर की आयु सिर्फ 72 वर्ष की थी, माने हमसे भी कम थी। मेरा कहने का मतलब ये है, उत्ती दंग करते। और महावीर को यह 100% पता था कि मैं आखिरी हूँ, पता था कि नहीं? और ये पता था कि नहीं कि इसके बाद क्या होने वाला है, पंचम काल लगने वाला है? पता था कि नहीं? यहाँ साहब पता क्यों? ये मत सोचना कि केवल ज्ञान हुआ होगा तब पता चला होगा। अरे हम तुमको पता है कि आगे छठवां काल लगने वाला है, हमें और तुम्हें पता है कि नहीं आगे कौन सा काल आएगा और क्या क्या होगा छठे में, पता है कि नहीं? तो महावीर को पता था कि नहीं? अब मेरा प्रश्न है, महावीर ने फिर भी इस जगत के लिए, जैन धर्म के लिए कुछ क्यों नहीं किया? एक मंदिर नहीं बनवाया, किसी को अपने राजकुमार अवस्था में कोई ऐसा जोड़ने जाड़ने का पंथवाद संप्रदायवाद के हटो। जब भी महावीर के समय में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का बोला वाला था, तुम अन्य तीर्थंकरों के बारे में तो कह देते हो कि पहले जैन ही धर्म था, जैन ही धर्म था, यही बोल बोल के खुश होते रहते हो ना, लेकिन मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। महावीर के समय में ब्राह्मण थे कि नहीं? अरे बोलो, धीरे से बोलते हो, थे। और सुनो, महावीर के जितने भी गणधर थे वे सब ब्राह्मण थे। इससे पता चलता है कि ब्राह्मणवादी युग कितना खतरनाक था महावीर के समय में। और सुनो, जो गौतम गणधर है ना, गौतम गणधर ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गुरु, और उसके पता कितने शिष्य थे? अभी ये तो किसी को पता ही नहीं है, सब बातें देते। 500 शिष्य। पर उसका वायु, उसका भाई अग्निभूति, उसका भाई भाई वायुभूति, वे सबके सब ब्राह्मण, सगे भाई, और सबके 500 शिष्य, और वे सब महावीर के गणधर बने। नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? इसका मतलब, जब महावीर के केवल ज्ञान के समय स्थिति थी तो उसके पहले तो थे ही सब। माने महावीर जब राजकुमार अवस्था में थे, हमें ना ध्यान से जैन साहब, तो ये सब ब्राह्मणवादी, ये सब यज्ञ वगैरह होते होंगे कि नहीं? क्योंकि थे ही। अब मेरा प्रश्न है, महावीर ने वो कुछ किया क्यों नहीं? वे खदेड़े क्यों नहीं कि हटाओ ये सब? और ताकत बढ़ते तीर्थंकर की शक्ति में तो कोई शंका नहीं किसी? अच्छा एक बात बताओ, स्वधर्म इंद्र से कह के सब निपटवा सकते थे कि नहीं? और सुनो बजसेन जी, आप कह रहे उनको भाव नहीं आता, जबकि वे निपटा सकते थे, और यहां बिल्कुल नहीं निपटा सकते लेकिन रोज भाव कर रहे हैं। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? महावीर एक मिनट लगता सब निपटाने में। अरविंद जी मजाक लग रही क्या? सौधर्मेंद्र, सुनो, सौधर्मेंद्र क्या चीज होती है आपको पता है? अगर शास्त्रों पे भरोसा है तो, अब मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, अब नहीं हो तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अगर भरोसा है तो शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि उसमें इतनी ताकत है कि वो 3 लोग को पलट दे। तो चलो भाई, 3 लोग को तो नहीं पलटवाती, वो तो रहने दो जो जहाँ है, लेकिन कम से कम जो गलत परंपराएं चल रही थी, जानवरों को मारा जा रहा था, यज्ञ में उनकी
आहुति दी जा रही थी, वध किए जा रहे थे। आपको पता अश्वमेघ होता था, अश्वमेघ यज्ञ, सीधा बड़े बड़े जानवर और आदमी तक काट के डाल देते थे, ये सब होता था। मेरा प्रश्न है, महावीर ने क्यों नहीं रोका? कुछ तो करते ना, 100 धर्मेंद्र के कपड़े पहन सकते हो लाए हुए, 100 धर्मेंद्र तुम्हारी सारी सेवा दे रहा, भोजन ला के दे रहा, कपड़े ला के दे रहा, और तुम वैशाली नगर के राजा, पूरी बहुत ताकत इतनी, ऐसा अगर तीतंकर हाथ कर दे तो आधी दुनिया गिर जाए, फिर भी इतना भाव नहीं आता कि चलो किसी को मारो नहीं, लेकिन शक्तिशाली तो अपने शक्ति का भरपूर उपयोग तो करो, ए लाइन में लग जा, नहीं समझ में। आज के बाद अगर ये यज्ञ वगैरह किया ना तो यार दिखोगे नहीं पृथ्वी पे, कह सकते थे ना, धमका तो सकते थे, कुछ नहीं भाव आया, कुछ नहीं किया। अबे सुनो प्रश्न, जल्दी बोलते थे वो आया ही नहीं भाव, ये तो बताओ क्यों नहीं आया? बज्रसेन जी, एक्शन के पहले रिएक्शन पकड़ो, कि ये एक्शन आया क्यों? अगर इनने ऐसा किया तो किया क्यों पहले ये तो बताओ। मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है विवेक कुमार को, तो ये बोल क्यों रहा है? कुछ हुआ ही होगा ना, मेरा प्रश्न समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी आप भगवान महावीर को भाव नहीं आया तो प्रश्न ये मत करो, जल्दी मत बोला करो कि भाव नहीं आया, पहले उसकी गहराई में जाया करो कि यार उनको भाव आया क्यों नहीं। अच्छा चलो अगला प्रश्न, ये मेरे प्रवचन सुनते हैं ना लोग, कई लोग तो अपनी अपनी कुर्सी पर खड़े होने लगे पैरों के बल, ख्याल में है कि अरे हो क्या रहा है। महावीर भगवान सम्यक दृष्टि थे कि नहीं, जल्दी बोलो, उपशम सम्यक दृष्टि थे कि छायक सम्यक दृष्टि? वज्र विषम नारद सहनन था कि हमारे तुम्हारे ऐसा घिसा पिसा सहनन था? वज्र विषम एकदम, अरविंद जी कौन सा था? वज्र विषम नारद सहनन था। सम्यक दृष्टि के प्रभावनांग होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? प्रश्न है, महावीर ने चौथे गुण स्थान में ऐसा कौन सा काम किया प्रभावनांग? कुछ करा हो तो बताओ। आदिनाथ ने क्या करा बताओ, जो तुम हल्ला मचाते रहते हो ना प्रभावना के नाम पर, क्या किया उनने प्रभावना? कौन से मंदिर बनवाए, कौन सी प्रतिमा विराजमान करी, कौन सी धर्मशाला बनवाई? अगर ये सब प्रभावना के अंग है तो उनने क्यों नहीं किया? आप सोचो हमसे क्यों, हम तो आप सोचो, यही सोचने के लिए तो बोल रहे हैं हम, तो ये आपसे ही तो बोल रहे हैं और क्या है। अब जे भी पंडित ही बता देगा तो तुम क्या करोगे? हम तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन डाल रहे हैं कि आप सोचो तो, देखो समझो, धर्मशाला बनवाओ, मंदिर बनवाओ, जो बनवाना हो वो बनवाओ, लेकिन इसको अनिवार्य अंग कहना प्रभावना का, ये सब व्यर्थ की बात, ये सब तुम अपने राग की पूर्ति के नाम पे करते हो, वास्तव में ये कोई प्रभावना के वास्तविक अंग तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब ये पुण्य भाव है। असली प्रभावना तो अपनी आत्मा की परिणति, वेद विज्ञान की कला और उसकी चर्चा। अब अभी तो अपन सुनो सुनो, डर पूरी बात सुन लो, हम तो अभी क्या कह रहे हैं कि महावीर ने नहीं करवाया, कि साहब नहीं करवाया, अब हम क्या कह रहे हैं वो दूसरी बात समझो, कि महावीर भगवान ने ये जातिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद कुछ नहीं किया। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, इनसे धर्म नहीं होता, इनसे राजनीति होती है। ये जो भीड़ है ना, भीड़ जो आप इकट्ठी करते हो, इसमें कभी धर्म नहीं होता। भीड़ में हमेशा संख्या बढ़ती है, आपकी राजनीति पनपती है। देखो जहाँ भीड़ होगी वहाँ राजनीति चालू हो जाएगी ना, होती है कि नहीं? अब जहाँ जैसे मान के चलो एक ही आदमी हो, दो हो नहीं तो राजनीति नहीं होती।